रहमान रहीम। गर्मियों का सीजन है, आम आ गए हैं मार्केट में और यहाँ 45 रियाल से लेके 50 रियाल का पूरा कार्टन है और जबरदस्त आम है। तो मैंने सोचा कुछ ठंडी चीजें बताऊं, गर्मी का मौसम में क्या खाया जाए वो बताऊं। इसलिए मैं आम की आपको स्मूदी बना रहा हूं, लेकिन ये क्यूब स्मूदी है। मैंने सबसे पहले ये क्या डालना हूँ दुनेरा, दूध हाँ ये मेरी पोती बोल रही है जनाब, ये दूध है जिसको मैंने गाढ़ा किया है और फ्रीजर में आधे घंटे के लिए रखा था, तो ये ज्यादा ही कुछ गाढ़ा हो गया। बहरहाल वो थोड़ी देर में पिघलेगा। तो ये जनाब वाली दूध है जिसमें आप थोड़ी सी ज़ाफ़रान डाल सकते हैं, इलायची खुशबू के लिए डाल सकते हैं, या कोई भी आप खुशबू की एसेंस डाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं डाला, मेरे पास सब चीजें मौजूद है मगर मैंने नहीं डाला है, क्योंकि बाकी चीजें भी इसमें डालूंगा। बादाम पिस्ता भी डाल सकते हैं, बादाम पिस्ता भी डाल सकते हैं। इसमें जो इलायची का कचरा नजर आ रहा होगा आपको, ये इलायची डाली नहीं है, बस उस वक्त दिखा दी थी और उसके बाद मूड चेंज हो गया कि बच्चों उन्होंने इलायची इसमें नहीं खाते हैं। ये आम के कतले हैं, ये क्या है जन्म, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैंगो। ये मैंगो के कतले हैं, इनको कतले काट के मैंने फ्रीज कर दिया, कुछ ज्यादा फ्रीज हो गए थे और ये चिपक गए थे, और ये आम हमने इसमें डाल दिए। इसके क्यूब्स हैं, क्यूब्स भी डाल देंगे, क्यूब्स भी डाल देंगे। आप चाहे तो स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो चिमटा इस्तेमाल करें। मैं चैनल का नाम भी मैं नो नखरा चैनल करने वाला हूँ, कि कोई नखरा वखरा नहीं भाई, बनाना है तो बनाए। और जो आइस क्यूब जमाने वाली, इसमें ये मैंने क्यूब उसके मैंगो के डाल दिए, ये मैंगो के क्यूब उसमें डाले थे, मैंगो का शेक बनाने के बाद ये डाले थे। लेकिन दूध इसमें ज्यादा है और मैंगो इसमें थोड़े कम है, क्योंकि मैंगो के मैं कतले ऊपर से डालूंगा। और जनाब याली ये क्या है बिंदु, स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी है जनाब, स्ट्रॉबेरी के क्यूब बनाए थे छोटे छोटे टुकड़े काट के, ये हमने इसमें डाल दिए। दुनेरा के मुंह में पानी आ रहा है और दुनेरा काफी देर से इंतजार में है कि दादा उसको उसका कप बना के दे दें। तो जनाब याली ये तकरीबन हमारा कप ये तो लबरेज हो गया, और इसके ऊपर हम मैंगो थोड़ा सा और डाल देंगे। मेरे ख्याल मेरे पास कतले भी मौजूद हैं, कतले नहीं डालता, जगह नहीं है उसके ऊपर, तो मैं सिर्फ क्यूब डालूंगा। है जी, मैं इसके क्यूब इसके ऊपर डाल देता हूँ। ये जनाब देखिए जबरदस्त, और एक स्ट्रॉबेरी ऊपर, मैंने स्ट्रॉबेरी मेरी फ्रीज फ्रोजन स्ट्रॉबेरी थी, मैंने फ्रीज की भी थी, ये फ्रोजन है स्ट्रॉबेरी ऊपर। मैं और स्ट्रॉबेरी चाहिए, बस इतनी काफी है, और चाहिए भाई हमारी पोती को, तो एक स्ट्रॉबेरी और भाई एक स्ट्रॉबेरी और बस। तो ये इसने 3 स्ट्रॉबेरी कही है हमारी पोती ने। तो ये हमारा आज क्यूबिकल है, स्मूथ बन जाएगा ये, जब पिघलेगा तो ये इसको खाते जाएंगे। और खाने के लिए इसके लिए ये है कि इसके दुनिया के लिए ये इसके कांटे या फोर्क जो है वो रखेंगे, उससे खाएगी ये, थोड़ा सा पिघल जाएगा, बस पिघलने लगा है वो, और जिससे जिस तरह पिघलेगा उससे खा सकती है। और चम्मच भी इसका रख दिया मैंने, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेहमानों के लिए जबरदस्त है। और मुझे उम्मीद है आप भी बनाएंगे। दूध के बारे में बता दूं, दूध मैंने गाढ़ा किया, और दूध गाढ़ा इस तरह किया कि इसमें मैंने 1 चम्मच खाने का, एक समझो ये तकरीबन 1 पाव दूध लिया था, और उसमें खाने का 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर डाल दिया और उसको पका दिया, शक्कर डाल दिया उसके अंदर। आप चाहें तो इसके ऊपर अंदर वो भी डाल सकते हैं, क्या नाम है जनाब, एसन भी डाल सकते हैं। मैंने कोई एसन और कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं इस्तेमाल की। अब ये तैयार होगी दुनेरा के लिए, आप दुआ में याद रखें, मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। जो टपक रहा है ये मेरा लबरेज हो गया प्याला,
टपक रहा है और जुनेरा के मुंह से भी पानी टपक रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से उसको सर्व कर दूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे और उम्मीद है मुझे दुआओं में आप याद रखेंगे। नीचे मैंने प्लेट इसीलिए रखी है या दूसरी प्लेट के उसके अंदर मैं इसको रख दूंगा ताकि बच्चों के लिए भी गिरने का कोई चांस नहीं हो। तो अब मैं इसको उस प्लेट के अंदर रख दिया और ये लीजिए जी टिश्यू उधर है तो इसको टिश्यू से हम पोंछ देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त बनेंगे। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे और मेरे बच्चों को भी दुआओं में याद रखेंगे। और आपके लिए मैं दुआ करूँ आप खुश रहें, खाएं, मौज लें।